उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने अपना फैसला सुनाते हुए देवस्थानम बोर्ड भंग करने की घोषणा की है। इसके बाद तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों में खुशी की लहर है। तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का देवस्थानम बोर्ड भंग करने के फैसले का स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। हमने पहले भी कहा था सरकार द्वारा जो देवस्थान बोर्ड भंग हो चुका है उसके लिए हमने सीएम साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दी थी। मैंने उनको अखाड़े में भी बुलाया था, हरिद्वार में बुलाया था, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी है मुख्यमंत्री जी के जो ये देवस्थान बोर्ड को भंग किया हुआ है। सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म को इस बात पर गर्व है और निश्चित रूप से मैं वर्तमान मेधावी सरकार का इसके विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने समय रहते इस कार्य को किया। बहुत लोगों में इस पर को लेकर के आक्रोश था क्योंकि यहाँ के लोगों की जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों पीढ़ी से जो आजीविका है वो केवल मात्र ये कार्य पर ही निर्भर है और अगर ये जो कठोर कदम था ये वास्तव में बहुत दमनकारी था। इसको उठा करके निश्चित रूप से सरकार ने कहीं ना कहीं हिंदुत्व की रक्षा का कार्य किया। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व जब सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में इस देवस्थानम बोर्ड नामक एक्ट को लाई तभी से सभी तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण समाज साधु संत इस देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे थे और हम सभी का ये मानना है